मध्य प्रदेश के छतरपुर में मंगलवार सुबह पुलिस कर्मियों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के समय बस में 10 पुलिस कर्मी सवार थे। बताया जा रहा है कि इन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बागेश्वर धाम में लगी थी और सभी वहीं जाते समय ये हादसे का शिकार हो गए। हादसा मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे बमीठा थाने के बागेश्वर रेलवे पुल के पास हुआ, जब पुलिस कर्मियों को ले जा रहे वाहन का पहिया अचानक फट गया। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से नीचे गिर गया और पेड़ से जा टकराया। हादसे में सभी 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ट्रक से जा रहे थे वो टाटा से बागेश्वर धाम, ड्राइवर मिला के 10 थे, पुलिया पे रेलवे क्रॉसिंग में हुए। सभी लोग छोटा चोट हुआ। ये 10 लोग हैं जो घायल अवस्था में आए थे, जिनमें से एक मरीज है जो घायल है, अभी सीरियस है, उनको हमने ग्वालियर के लिए रेफर करा है। बाकी और सभी पेशेंट जो हैं वो पुलिस वाले सभी स्टेबल हैं। ये लोग अपने पुलिस वैन से जा रहे थे बागेश्वर धाम ड्यूटी में, बस से थे, शायद बस में ही होंगे, वो बस वैन में थे सब, वो ड्यूटी में जा रहे थे। ड्यूटी के दौरान उनका वहाँ से कोई उनका शायद कोई टैक्सी वैक्सी वाले आ रहे थे, टैक्सी वाले को बचाने के चक्कर में इनसे मिसबिहेव होकर गाड़ी इनकी खाई में गिर गई है, जो पेड़ से टकरा गए थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।